अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप सबका बिलाल। तो आज मैं लेके आ चुका हूं आप सबके लिए एक नया व्लॉग। तो सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारे जो व्लॉग्स आ रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने लगे हैं, क्योंकि मास्टर केज पर हम चिक्स लेके आ रहे हैं और एक दो सरप्राइज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइज़ हम लेके आ रहे हैं अपने जू में। तो इंशाल्लाह वो भी एक दो दिन तक आ जाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले जाके आप सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले हमारी जो वीडियोज़ है आप देख सकें। यार दोस्तों ना, आज शाम अपने कज़न की शादी पे गया हुआ है, वो इस वजह से नहीं आ सके, क्योंकि उसने कहा था बिलाल तुम आज आके ना व्लॉग तुमने स्टार्ट करना है। तो अभी व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि शाम है, सुबह जाते वक्त सब जो पेट्स हैं ना हमारे उन सबको खोल गया, क्योंकि यार चिक्स फैमिली को इसलिए नहीं खोल के गया क्योंकि वो हमारा एलेक्स है, वो एलेक्स उधर बैठा हुआ है, एलेक्स ना इन पर हमला कर देता है, इस वजह से ना हमने अभी खोला नहीं था सुबह को इनको। अभी हम विनीत ने इनको अभी ओपन कर दिया है। तो यार दोस्तों अभी ना वलीद ने जो हमारे कबूतर वगैरह ना सारे कबूतर खोल दिए इनको। वलीद जी यार इनको डाइट दे देते हैं, इनको डाइट ले और इनकी फिर हम इनको डाइट दे देते हैं। काफी दुनिया लेकिन मुझे मिली नहीं है डाइट, मुझे लगता है भाई शाम ने हमें बताया नहीं और डाइट खत्म हो चुकी है। ओ यार फिर इस तरह करते हैं, सबसे पहले हम जाके ना जो हमारे पेट्स हैं लेकिन हम डाइट लेके आते हैं। क्या हाल है वलीद, चले फिर हम डाइट पहले लेके आते हैं। हां चलो यार पहले हम जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम डाइट लेके आते हैं। बंद कर दिया ताकि अलग फॉक्सी बॉय ना। चलो वलीद चलते हैं, फिर हम डाइट शेट लेके आते हैं अपने पेट के लिए। यार शाम में तो हमें पता ही नहीं, बंदा बता तो जाता है कि कम अज कम के जो उसे बस शादी से मतलब था, उसने जान छुड़ाई। असल में उसे शादी पे नहीं था, जाना था, बड़ी कोशिश की है कि मैं शादी पे किसी तरीके से ना। और यार तो वो कदम कह रहा था कि तुमने शादी पे जरूर आना है, इस वजह से शाम को जानना जरूरी पड़ गया था। यार दोस्तों अभी मैं और वलीद ना जो हम अपनी फीट वाली जगह पाने वाली जगह आ गए हैं, वो अभी भी वलीद इनको बता रहा है कि हमने क्या क्या लेना है। वलीद बता दिया इनको? हाँ मैंने बता दिया। चलो यार, तो यार दोस्तों अभी हमने अपने जो पेट्स हैं ना उनके लिए हमने फीड और बाजा ले लिया। अभी फिर हम सबसे पहले चलते हैं जू में, वहाँ पे जाके हम अपने पेट्स को ना दाना चना देते हैं। यार दोस्तों जो हम अपने जो फीड है ना अपने जो पेट्स के लिए वो हम जू में ले आए। अभी देखना ये सब मेरे पास आके खड़े हो जाएंगे, देखना अभी फीड उन्होंने हाल ही हाथ में देखी है तो सब ये सब आ जाएंगे। काफ़ी देर हो गई है डाइट नहीं। चलो यार इनको थोड़ी सी फीड डाल दो ना वलीद, थोड़ी थोड़ी करके ये ताकि लड़े ना आपस में। हाँ इनको दो तीन जगह डालो यार, सुल्तान इनको खाने नहीं देता बाकी सब को, सुल्तान को होना है। वलीद सुल्तान को पकड़ो, सुल्तान को बाद में देनी है हमने, क्योंकि ये सब को मारेगा ये नहीं खाने देगा किसी को भी। चलो यार फिर फाइनली वलीद ने ना जो हमारे पेट्स वगैरह ना सबको फीड शीट डाल दिए, ताकि सुबह के ना तकरीबन जब शाम गया था इनको डाल के गया था, उसके बाद अभी तक इन्होंने कुछ खाया नहीं है तो अभी ये खा रहे हैं। क्या हुआ है ये कबूतर ना नीचे नहीं आता, बस यहीं पे बैठा रहता है यार। इसको ना फिर हम एंड पे इसको हम इसके जो केज में उधर ही हम इसको फीड शीट डाल देंगे। तो यार वलीद मेरी मालपा के साथ नहीं लगती, ठीक है जो सच्ची बात है। मेरी थोड़ी थोड़ी लगती है जब वो भी भाई शाम ना हो सामने साथ। तुम्हें पता है कल इसने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया है? हाँ पता है मुझे, तो इसलिए इसको ओपन नहीं करना, इसको बंद नहीं ओपन नहीं करना। बिलाल भाई मेरे पास एक आइडिया आ रहा है। वो क्या? मैं कहता हूँ हम लोग मालपा को छुपा देते हैं, शाम नहीं इधर तो चेक करते हैं कि शाम कैसा रिएक्शन देता है, क्योंकि वो वैसे भी काफी तंग पड़ा हुआ था, तो देखते हैं वो कैसा रिएक्शन देता है जब मालपा गुम हो जाता है। हाँ यार ये वलीद ने बिल्कुल सही बात की है। वलीद ने पता है क्या, वलीद कहता है कि जो हमारी मालपा है ना इसको हम यहाँ से निकाल के इधर और छुपा देते हैं, क्योंकि हाँ क्योंकि शाम अभी यहाँ पे नहीं है तो वैसे भी इसे काफी दिन वो कह रहा था मैंने इसे वापस कराना। फिर हम ऐसा करते हैं ना जो हमारी मालपा है इसको हम किधर और नीचे, मैं तो कह रहा हूँ नीचे से छुपाएं, लेकिन फिर मेरे जहन में आता है कि घर वाले अगर आ गए अचानक ऊपर से तो वो तो डांटेंगे। फिर यार कोई जगह बताओ ना हमें, इस तरह करते हैं हम लोग जमजम के साथ उधर साइड पे छुपा देते हैं। हाँ फिर ऐसा करते हैं। हाँ दोस्तों फिर जहाँ पे हमारी वो जमजम है ना उसके साथ ही दरख्त पे हम बांध देते हैं हमारी जो है ना मालपा को, ताकि जब शाम आएगा शाम के साथ हम छोटा सा प्रैंक करते हैं, देखते हैं कि शाम का रिएक्शन क्या होता है। तो आप ऐसा करो ना आप उसे कॉल करो, मैं इतनी देर मालपा को निकाल के नीचे यार हम उसको कहेंगे क्या क्या हुआ है, किधर गई है जमजम और सॉरी किधर गई है हमारी मालपा। मालपा को हम लोग इस तरह बोलेंगे शाम को कि शाम के आएगा, जब शाम को आप कॉल करोगे वो आएगा, आप बोलना कि उसे ना पुलिस ले उठा के ले गई मालपा को, हमारी हमारी मालपा को पुलिस उठा के। पुलिस वाला कह रहे हो? पुलिस वाला कह रहा हूँ ये ठीक है, क्योंकि अगर हम पुलिस वाला बोलेंगे ना फिर ये कि उसको यकीन कर जाएगा उसके, अगर हमने कुछ और बोला वो कहेगा कि मजाक ये मजाक कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन हमने उसे बताना है कि हमने उसे इस तरह यकीन दिलाने हम बोलेंगे जो बाहर बच्चे नहीं आए थे। हाँ। जो बाहर बच्चे में मालपा जिन्हें बार बार गुस्सा कर रही थी, लगता है उन्होंने अपने पेरेंट्स को जाके शिकायत लगाई है, उनके माँ बाप आए हैं और उसी के साथ फिर वो अपने पुलिस वाले आए हैं उनके साथ और मालपा को उठा के ले गए, और वो कह रहे हैं कि अब आप थाने में आए, जिसने ये रखी हुई है जानवर उसे बोलें कि वो थाने में आके
फिर इसे छुड़वा के लेके गया हमारे। तो यार फिर विलीद ने जो आइडिया दिया ना, फिर हम ऐसे ही करते हैं कि हम अपने जो माल पैन, विलीद इसको निकाल लोगे तुम? हाँ मैं निकाल लूंगा यार, अभी रुक जाओ, फिर इसको ना पहले पानी शानी पिला लेते हैं, फिर हम नीचे छोड़ के आते हैं। वो पाया मैंने इसका, देखा इसने कल भी इधर से ही ना गिराया था वहां से। विलीद इसको पानी शानी तुम पिला दो ना, फिर इसको हम नीचे बांध देते हैं। अभी वो रात को उसे डैड खा रही है क्योंकि मैं नहीं पास जा रहा, क्योंकि ये विलीद से भी नहीं संभाल नहीं होती, ये ना हो के काम खराब हो जाए। तो हमने फिर फाइनल यही किया कि आज हम शाम के साथ प्रैंक करने लगे हैं, बहुत बड़ा प्रैंक। तो उम्मीद है कि उसको समझ नहीं लगेगी, क्योंकि अगर हमने ऐसे शैसे ना तो फिर उसको समझ नहीं लगेगी हुआ क्या। वृद्ध इसको ऐसी जगह बांधना है कि किसी को पता ना चले, ठीक है? हाँ बिल्कुल, वो साथ दरख्त के बिल्कुल साथ बांधना है तुमने। दोस्तों पहले हमने ना जो मालपाओ को नीचे बांधा हुआ था, फिर मैंने विलीद को कहा कि यार मुझे डर है कि यहाँ से ये निकल के भाग जाएगी, तो अभी हमने मालपाओ को ना ऊपर बांध दिया है ताकि ना, क्योंकि शाम में जो पक्का पत्ता आगे पीछे इसने देखना है तो यहाँ से उसके शाम को नजर आ जाएगी, इस वजह से ना हमने ऊपर बांध दिया ताकि दरख्त में शाम को बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। तो यार बिलाल भाई अभी फ़ौरन से कॉल करो शाम को, उससे बोलो कि पुलिस वाले आए। हाँ यार मैं अभी वही करने रखा था, मैंने दोबारा फ़ोन जेब में डाल दिया, अभी हम पहले शाम को कॉल करते हैं। जल्दी से करो शाम को कॉल, उसे बोलो कि जल्दी आओ। अब लाल भाई इतना टाइम हो गया यार, 10 मिनट हो गए यार। विलीद उसने कहा था कि मैं 5 मिनट तक आ रहा हूँ, पर अभी टाइम ज्यादा हो गया, 10 मिनट तक ही बोले लेंगे, वो अभी तक आया नहीं है। अब भाई शाम क्या बताऊँ, इधर जो हम लोग रोज माफा को बांधते थे ना, हाँ। तो वो जो नीचे बच्चे नहीं आते थे वो ने टॉफी वगैरह जो फेंकते थे, हाँ। मुझे लगता है उन्होंने अपने घर वालों को शिकायत लगाई है, और उन्होंने की मैसे बच्चे जो थे ना वो जनाब साहब आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और वो कहते हैं उन्होंने बांधी रखी है, पुलिस वाले आए साथ, उन्होंने बोला जी ये बांधरी आपको किसने अलाउड की यहाँ पे रखने की, ये मोहल्ला है, ये कोई पेट हाउस तो नहीं है, तो आप इस तरह करें कि इस बांधरी को हमारे हवाले करें, और जो इसका ऑनर है वो सिर्फ थाने भेज दीजिएगा, वहीं पे आके अगली बात होगी। नहीं मुझे ये पहले आप दोनों बताओ, इसको मालपा को यहाँ पे बांधने की जरूरत क्यों, मैं केज में बांध दूं करके यार, शाम रोज यहाँ पे हम बांधते हैं, इस टाइम यार शाम को बांधते हैं यार, वो मैं बांधता हूँ, मुझे पता है ना वहाँ पे बच्चे जब तंग करते हैं, मैं मालपा को उठा लेता हूँ यार, हमें नहीं था पता, हमने बाकी पैड्स वगैरह खोले थे तो हमने मालपा को इधर रख दिया था, ये काम होगा रहेगा लेने के लिए। यार अब ये एक नई टेंशन, कल अब मुझे आगे वाली टेंशन जा नहीं रही, अब ये वाली टेंशन आ गई, फिर हमें थाने जाना पड़ेगा। यार अच्छा तुम हम पे गुस्सा कर रहे हो, तुम खुद बताओ रोज हम कहाँ पे खोलते हैं उसे। यार मैंने वो बात नहीं है, मैंने जब मना करके गयी इस केज के मालपा को बाहर निकालना नहीं, क्योंकि बाहर निकालने नुकसान यार, करती ना है। तुमने बताया कि इसको खोलना है नहीं खोलना, क्योंकि हम रोज हम शाम को खोलते हैं, मैं नहीं कल पता था कल इतना बड़ा नुकसान किया, आज फिर तुमने उसे खोल दिया। यार मुझे नहीं था पता इस तरह हो जाएगा यार, ये अब पता नहीं पुलिस वाले क्या करेंगे हमारे साथ। यार उन्होंने कहा कि जो इसका मालिक है ना वो आएगा तो हम उसको दे देंगे, इंक्वायरी वगैरह थोड़ी सी करेंगे, जानवरों को बाकी सब कुछ कर दिए, खाना पानी डाल दिए, ये जो बड़ा एक यार शाम वहाँ पे जाते हैं, पूछते तो हैं उनसे, पर वो मुझे नहीं लगता वापस देंगे इतनी जल्दी। यार वो पुलिस वाले तुम्हें पता, पुलिस वाले जो है ना वो आराम सुकून से वो इतना लंबा केस बना देते हैं यार, पहले जा फिर पूछते तो हैं उनसे जाके, क्या कहते हैं जाके पता तो करते हैं ना, वैसे भी वो काफी ज्यादा नुकसान कर रही थी यार, नुकसान तो कर ही थी, लेकिन यार ये नुकसान वाला वो नहीं मसला कि मालपा को यार वो ये होता केस ना कर दें हम पे। यार ये भी शुक्र करो ऊपर आए हैं ना, उन्होंने पहले चेक किए बाकी सब एनिमल्स वगैरह पेट्स वगैरह सारे चेक किए हैं उन्होंने, हाँ। उनकी मालपा पे नजर उधर पड़ गई थी, मालपा उधर बांधी हुई थी। अच्छा। असल में पता क्या, मालपा जब वो बंदा उसके पास गया है ना, मालपा ने उस पर अटैक किया है, जिस तरह वो हम पे नहीं अटैक करती मेरे पे या विलीद पे या इस तरह, उसके पास है ये शुक्र है उसने उसको मारा नहीं है, इन्होंने कहा भाई हम इनको लेके जाएंगे, यही बात है ना, वो है ही अग्रेसिव होगी आजकल, वो सब पे हमला करती है, तो उन्होंने तो यही करना था, उन्होंने कहना ये घर पे आप रख ही नहीं सकते। यार वो क्या करूँ आप, मैं यार कसम से अभी कल वाली टेंशन नहीं जा रही, मुझे एक और नई टेंशन पड़ रही है, टेंशन पे टेंशन आ रही है। यार हमने तो वैसे ही ओपन की थी कि उधर खेलेगी बाइट, फिर इनको हम फीड शीट देंगे, उनकी जो डाइट वगैरह देंगे, पर मुझे क्या पता था ये हो जाएगा, क्यों विलीद यही बात है, हमने तो वैसे ही ओपन की थी ना, खोल के हमने बोला, बिलाल भाई ने बोला वो वैसे भी हाँ, आप लोगों का तो ठीक था ना, यहाँ पे खोल दिया उसको हवा लगवा रहे थे, अब अजाब मेरे लिए बनेगा ना। यार नहीं जाके बात करते हैं, यहाँ मैंने अंकल से पूछा, अंकल ने कह रहे हैं मैं भी वहाँ पे आ जाता हूँ, वहाँ पे हम ले आएंगे किसी तरीके से, फिर ऐसा करते हैं साथ अब्बू को भी लेते हैं या भाइयों वगैरह को करता हूँ कॉल, वो भी आ जाए फिर चलते हैं। चलो फिर अगर तुम कॉल कर लो, उनको भी बुला लो ना। फिर ऐसा किया भाई मनान को कॉल कर दी और भाई रमान को भी कॉल कर दी, वो कह रहे हैं थाने चलो अब हम भी आते हैं डायरेक्ट थाने पे, फिर जाके बात कर लेते हैं उनसे। तो यार फिर ऐसा करते हैं ना, अभी फिर हम थाने चलते हैं सबसे पहले थाने, हाँ। या फिर ऐसा चिक्स वगैरह को बंद कर देते हैं ना, क्योंकि अगर थाने चले गए पीछे हाँ, हमारा एलेक्स वगैरह खा जाएगा। बिल्कुल फिर ऐसा करते हैं ना, चिक्स वगैरह बंद कर दे शाम, तुम वैसे भी आज यार नहीं खुद था यार, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वापस आएगी, तुम टेंशन ना लो। मैं अभी कल वाले वो नुकसान इतना बड़ा, आज फिर वो इतना बड़ा।
तो दोस्तों एक शाम है ना जो अभी वो चिक्स वगैरह बंद कर रहा है वलीद, फुल सीरियस हुआ वो, फुल सीरियस हुआ है यार दोस्तों एक शाम बिल्कुल ना बिल्कुल सीरियस हुआ है, कह रहा है कि यार वाकई आप लोगों ने कहा कि वो हम पे गुस्सा कर रहा है, कह रहा है कि आपने मालपा को ओपन क्यों किया है। तो वलीद इधर आओ, अभी हम पता क्या करेंगे जब ये नीचे जाएंगे ना, जब बाइक स्टार्ट करने लगे ना उसको बता अभी आ रहा है। हाँ यार एलेक्स नीचे छोड़ दो, बंद कर दो क्योंकि फिर ऊपर आ जाता खुद ही, फोन तो कर दो ना भाई मनान लोगों को, वो आ चुके हैं थाने में, थाने के पास खड़े हुए हैं, जा रहे हैं फिर हम। हाँ बस चलो चलते हैं। एक मिनट, वो दमदम का तुम्हें बताया मैंने, दमदम का नहीं बताया? नहीं दमदम का तुम्हें नहीं बताया मैंने आज? नहीं क्या हुआ है? इधर तो आओ यार, दमदम का कोई नया नुकसान तो नहीं कर रहा है? दमदम सुबह कुछ खा रही नहीं, ना डाइट को मुंह मार रही है, ना कुछ कुछ भी नहीं खा रही यार, लेकिन भाई इमरान उधर इंतजार कर रहे हैं यार। भाई इमरान चलते हैं, बस दमदम का डाइट डाल दें यार, ये ना हम वापस लेट हो पहुंचे यहां पे, तो यार दमदम को डाइट डाल दें। किधर है वो डाइट वगैरह डाली नहीं थी यार? डाली थी पर नहीं मिली। ये क्या है यार? अच्छा यार तुम सबने छोटा सा प्रैंक कर दिया है येरा, ये क्या बिलाल कसम से येरा, ये क्या मजाक हुआ है यार? दोस्तों आपने शाम के साथ बिल्कुल छोटा सा आपने प्रैंक कर दिया शाम के। वैसे मुझे कैसा फील हो रहा है येरा? मुझे ये बताओ इसको उठा के ऊपर से कौन लेकर आया? वलीद लेके आया, लेके आया था मैंने प्रैंक पति क्यों किया? मैंने कहा वैसे भी मालपा ने हम चले जाना एक दो दिन, मैं तुम्हारा रिएक्शन देख रहा था। और वो बात ठीक है, मालपा ने चले जाना हमने भेज देना, लेकिन यार पुलिस वाला जो काम है ना भाई बहुत डेंजरस है, मैं कसम से मेरे तो सांसों में आ गए थे। मैंने कहा बिल्कुल ना बेबस हो गया था, कह रहा था यार दोस्तों मालपा नहीं मिलेगी वापस। अब ये जो भाई मनान को पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन होगा जो वो थाने के बाहर खड़े हैं। खुद ही बता देते यहाँ पे अगर सामने बैठी हुई होती मुझे नजर तो आ जाती, ये पेड़ के ऊपर बैठी यार। इसलिए तो पहले हमने यहाँ पे नीचे बांध दी थी, मैंने कहा ऊपर से शाम देखेगा आगे पीछे मिल जाएगी, इसलिए ना दरख्त पे हमने बांध दी थी। दरख्त पे कोई चीज नजर ही और मेरा ऐसा ध्यान ही नहीं गया कि आप लोग ऐसा मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो यार। यार बस क्या करें, मैंने कहा आज कुछ है नहीं था करने के लिए, मैंने कहा आज शाम साहब प्रैंक करें। जब मैं करूंगा ना तो तब पता चलेगा यार। चलो यार देख लेते तुम कितना प्रैंक करोगे। कि मैं परेशान था, उसने आवाज भी नहीं लगाई कि मैं यहाँ पे बैठा। मालपा भी हमारे प्लान में शामिल था वाकई, ये इसके प्लान में शामिल प्रैंक ये भी कर रही थी मेरे साथ यार। एक दिन मैं यही तो हमें टाइम मिला था आज के दिन के आज तुम्हारे साथ हमने प्रैंक जो करना था, तो मैंने क्या बोला था कि बहुत जल्द एक चीज आने लगी है, पर वो हमें मौका आज मिला कि तुम शादी पे थे तो हमने कहा इसके साथ प्रैंक कर देते छोटा सा। चलो यार दोस्तों अभी ऐसा करते हैं कि अपनी जमजम को हमने यहाँ पे बांध दी, अभी इसके लिए मैंने डाइट भी बनानी है क्योंकि शाम की डाइट मैं खुद ही बनाऊँगा इसकी। सुबह भी मैं इसके लिए डाइट बना कर रख के चला गया था शादी पे, तो अभी फिर वापस आए हो तो अभी फिर हमने इसकी डाइट देनी है। बस थोड़ा सा सांस बेहतर हुआ है मेरा यार, बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी वाली बात आ गई थी कि मैंने कहा यार पता नहीं मालपा को कैसे यार पुलिस वाले लेकर जा सकते हैं। बस मुझे यार इन पे वैसे दोनों पे शक इस वजह से भी नहीं हुआ क्योंकि मालपा को ये ऐसे कोई भी ऐसे आराम सुकून से नहीं खोल सकता मेरे बिना, लेकिन आज पता नहीं इन लोगों ने कैसे हिम्मत कर के मेरे साथ इतना बड़ा प्रैंक कर दिया इन्होंने। इसी के साथ दोस्तों अपनी करते हैं वीडियो एंड, अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल शाम पैट हाउस को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।